अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 87। और आज के इस लेसन में हम 3D डायमेंशन में लीनियर डायमेंशन और अलाइन डायमेंशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हमने डायमेंशंस किया था, लेकिन हमने वो जितनी भी डायमेंशन हमने की थी वो 2D में की थी। और 3D में हम डायमेंशंस को किस तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि 3D में हमारे पास एक और 3 डायमेंशंस होती है, एक्स, वाई और जी, और इनमें हम किस तरह काम करते हैं, तो इसके लिए हम 3D डायमेंशंस का यूज़ करते हैं। तो 3D डायमेंशन कैसे करेंगे, उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ और न्यू ड्राइंग मैंने ओपन की। और अब मैं यहाँ पे सामने कुछ एक ऐसा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँगा कि जिसमें हम इजीली डायमेंशंस बना सकें, और एक 3D ऑब्जेक्ट में ड्रॉ करूँगा। इसके लिए मैं सबसे पहले यूनिट सेट करता हूँ, और यूनिट के लिए मैं आर्किटेक्चर 0 फीट 0 इंच, ओके। उसके बाद देखें तो मेरा यूसीएस आइकन अपने ओरिजिन पॉइंट में नहीं है, तो उसके लिए यू सी एंटर करूँगा, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट, ओके ओके। अब नेक्स्ट काम जो मैंने करना है वो क्या है जी, कि मैं यहाँ पे एल इंटर करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ, F8, और 10 फिट की लाइन लगाता हूँ, 10 फिट की लाइन लगाता हूँ, जेड स्पेस ए स्पेस सॉरी जेड स्पेस ए स्पेस दोबारा से मैं काम करता हूँ, एल इंटर, 10 फिट एंटर, 10 फिट एंटर, और यहाँ पे मैं 4 फिट एंटर, 2 फिट या बल्कि 3 फिट एंटर, 2 फिट एंटर, 4 फिट एंटर, 2 फिट एंटर, और 2 फिट एंटर, और यहाँ से ये और इसको इसके साथ जोड़ देता हूँ, ओके। टी आर डबल एंटर, अब इसको रीजन करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, तो रीजन के लिए आर ई जी एंटर, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ओके। और अब मैं यहाँ पे जो काम करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको आइसोमेट्रिक व्यू में लेके जाता हूँ, इसको 3D में रोटेट करता हूँ। 3D में रोटेट करने के दो तरीके, एक तो आप होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद आप यहाँ से भी 3D में रोटेट कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें और इसको देखें, जिस पॉइंट पर भी आपने रोटेट करना है आप इसको उठा के आप रोटेट कर सकते हैं। देखें तो ये 90 में मैं क्लिक करता हूँ, तो देखें 90 में रोटेट हो गया। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है रोटेट करने का वो है आर ओ, आप आर ओ एंटर करते हैं तो देखिए हमारे पास रोटेट 3D लिखा हुआ आ गया। इसको सिलेक्ट करें अपने ऑब्जेक्ट को, स्पेस, और यहाँ से ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में मैं 90 पे इसे रोटेट करना चाह रहा हूँ। 90 मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए 90, और एंटर करता हूँ, ओके। तो स्टूडेंट, जब मैं जो कमांड अप्लाई कर रहा होता हूँ, तो उसके लिए आप ज़रूर आप कमांड एरिया में भी देखा करें कि कौन सी कमांड अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि बास टाइम में वो बताना भूल जाता हूँ, तो फिर बाद में स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, तो इसलिए आप जो है तो कमांड एरिया को ज़रूर देखा करें साथ साथ। अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ और एंटर, 5 फिट इसको एक्सट्रूड करता हूँ, ओके। और अब इसको मैं यहाँ से रियल लास्टिक या फिर मैं शेडेड ऑफ ग्रे पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके। और अब मैं इसको यहाँ तक हमने काम कंप्लीट कर लिया, और अब इसको डायमेंशन देता हूँ, तो डायमेंशन के लिए देखिएगा कि मैं हर एक साइड से मैं इसके व्यूज़ को चेंज कर करके मैं इसको डायमेंशन दूंगा। और उसके लिए मैं एनोटेट्स पे क्लिक करता हूँ, और डायमेंशन में लीनियर डायमेंशन भी क्लिक करता हूँ, ये वाली डायमेंशन है, फर्स्ट पॉइंट से सिलेक्ट करता हूँ सेकेंड तक, डायमेंशन अप्लाई हो गया। अब डायमेंशन मेरे पास डेसीमल में, तो इसको
चेंज करने के लिए डी एंटर करता हूँ, मॉडिफाई में क्लिक करता हूँ और यहाँ से इंजीनियरिंग और 0 फीट 0 इंच रखता हूँ। ओके, सेट करंट एंड क्लोज। टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए, बड़क बढ़ाने के लिए बिम स्केल DIMSCALE डायमेंशन स्केल, और डायमेंशन स्केल कह रहे हैं आपको यहाँ पे एंटर न्यू वैल्यू ऑफ डिम स्केल। तो पहले वाली 0 फुट 1 इंच है और न्यू वैल्यू जो देना चाहते हैं, तो न्यू वैल्यू में देता हूँ इसको 2 फिट। इसको अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास अपडेट का ऑप्शन है, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे और आपके डायमेंशन अपडेट हो गया। सही है। अब मैं यहाँ से दोबारा डायमेंशन लेता हूँ जी, इस पॉइंट से इस पॉइंट में। तो ये तो ईजी है जी, इस पे तो इतना मुश्किल काम नहीं है। अब जो मैंने यहाँ पे जेड एक्सिस में जो डायमेंशन देनी है, इसमें थोड़ा सा टफ काम है, तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे जी लेफ्ट, मैं क्लिक करके बताता हूँ आपको, देखें लेफ्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो लेफ्ट के लिए आपने क्या करना है, आप होम में आपने क्लिक करना है और होम में आपने कोऑर्डिनेट्स में आपने यहाँ से इसको लेफ्ट पे लेके आना है। लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट पे आ जाएंगे और अब आपने जो काम करना है, आपने क्या करना है, यहाँ से नोट्स पे क्लिक करें और डायमेंशंस अलाइन डायमेंशन लें और यहाँ से इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक मैं डायमेंशन देना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट तक। ओके, अब डायमेंशन नज़र नहीं आ रही मुझे, डायमेंशन पीछे चली गई है। मैं दोबारा से इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा से मैं काम करता हूँ, डायमेंशन लीनियरली ले लेता हूँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और मैं इसको आगे लेके आता हूँ। देखें जब मैं इसको आगे लेके आ रहा हूँ तो यहाँ तक मैं लेके आता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, देखिए अब डायमेंशन बैक साइड भी चली गई है। तो इसको सामने फ्रंट पे लाने के लिए आपने क्या करना है, आपको यहाँ से थोड़ा सा नज़र भी आ रहा होगा, और अगर सही नज़र नहीं आ रहा तो आप होम में जाएं, और होम में जाने के बाद आप यहाँ से शेडेड से जाके अपने 2D वायर फ्रेम पर क्लिक करें, डायमेंशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और इस डायमेंशन को आपने क्या करना है, मूव करना है। मूव के लिए आपने कमांड यूज़ करनी है, एम एंटर, डायमेंशन को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक और इस कॉर्नर से उठाएं और इसको यहाँ पे इस कॉर्नर पे उठा के रख दें। ओके, आप यहाँ पे आप जाके ज़रा देखें, आपको देखें डायमेंशन आपको नज़र आ रही होगी, तो आप देखें यहाँ पे आपको डायमेंशन सामने नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है जी, ये देखें ये कौन सा है जी, राइट साइड है। तो राइट साइड के लिए आपने क्या करना है, राइट साइड पे जो डायमेंशन देनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में जाके, तो आप यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे, राइट पे क्लिक किया मैंने, और अब मैंने जो डायमेंशन देनी है, मैंने इस साइड पे देनी है, इसको देनी है, तो उसके लिए आप देखें अलग अलग से आप डायमेंशन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से दोबारा इनवर्ट्स पे क्लिक करता हूँ, डायमेंशन लीनियर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक देखता हूँ कितनी डायमेंशन है, बल्कि इसको मैं राइट साइड से नहीं देख रहा, मैं इसको देखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ से मैं इसको मूव कर देता हूँ सामने से, और अब मैं देखता हूँ डायमेंशन, यही काम करता हूँ, देखता हूँ ज़रा ये काम करेगा कि नहीं, लीनियर डायमेंशन, ओके यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ। ओके, आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, और ये बहुत ज़्यादा आगे चली गई है, तो इसको मैं पीछे लाता हूँ, तो यहाँ से भी आप कोशिश करें, अगर नहीं आ रही यहाँ से, तो यहाँ से देखें पीछे आगे क्लिक किया मैंने तो, और अगर यहाँ से नहीं आ रही तो आप दोबारा इसको डायमेंशन दें और साइज़ का थोड़ा छोटा दें, क्योंकि ये थोड़ा सा मसला करेगी आपको दोबारा पीछे लाने में। तो डायमेंशन पर क्लिक करता हूँ, लीनियर डायमेंशन पर क्लिक करता हूँ और इस पॉइंट पर क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट ये है मेरा, सेकेंड पॉइंट ये है, और इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। ओके, और अब इसको मूव करता हूँ, मूव के लिए एम एंटर सिलेक्ट करें, इसको राइट क्लिक और यहाँ से उठा के इसको इस कॉर्नर में रखते हैं। ओके, आपको नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ पे भी डायमेंशन दे दिया। अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक आपने डायमेंशन देनी है, तो उसके लिए पहले मैं चेक करता हूँ कि उसके लिए आपको यहाँ से ये काम करेगी कि नहीं, तो उसके लिए मैं डायमेंशन में दोबारा क्लिक करता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट में देखता हूँ, नहीं करी, देख सकते हैं सही काम नहीं करी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, टॉप, यहाँ से अपने टॉप सेलेक्ट करना है, होम में जाएं,
और यहाँ से आपने टॉप सेलेक्ट करना है। और अब टॉप सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, डायमेंशन में दोबारा जाना है, इनवर्ट्स पे और डायमेंशन, और यहाँ से यहाँ तक, अब मैं देखता हूँ कि कहाँ चली गई डायमेंशन। तो उसके लिए आप होम में जाएं और यहाँ से आप इसे 2D वायर फ्रेम में आता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे ये तो इसने बताया हुआ है, और यहाँ से वो भी बता दिया इसने टॉप। आप देखें ये हमारे पास नीचे आ गया, देख सकते हैं ये टॉप था। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ से मूव करना है मिंटर, इसको इस कॉर्नर से उठाना है, और टॉप यहाँ तक मैंने चेक किया था, इसको यहाँ पे इस कॉर्नर में रख देना है। देख सकते हैं डायमेंशन आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक एरिया चेक करना है, तो उसके लिए दोबारा डायमेंशन लें, इनवर्स पे क्लिक करता हूँ डायमेंशन, और यहाँ से यहाँ तक ही डायमेंशन सेट करना चाह रहा हूँ, क्लिक करता हूँ, आगे थोड़ा सा लेके जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखें ये भी नीचे चली गई है। और इसको भी यहाँ से आप मूव करें, एमेंटर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, और इसके इस कॉर्नर से इसको उठाएं, ओके, ये भी हमारे पास आ गया है। और इसी तरह आपने नीचे यहाँ से इसके फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं, फ्रंट से इसका देखना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपने क्या करना है, फ्रंट पे आना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे होम में, और टॉप है, टॉप से आपने क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लें, राइट को करता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ से इसी डायमेंशन देखना है। तो इसके लिए मैं दोबारा एनवर्ट्स पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से डायमेंशन इस पॉइंट से इस पॉइंट में थोड़ा सा पीछे करता हूँ, ओके नहीं आ रही, चेंज करता हूँ एंगल, होम में जाता हूँ और इसका एंगल चेंज करता हूँ। तो इसका एंगल रखता हूँ यहाँ से लेफ्ट साइड रखता हूँ, और अब जाके देखता हूँ एनवर्ट्स पे, आ गया, अब लेफ्ट साइड से मेरे पास आ गया, तो मैं इसको मूव करता हूँ, एम एंटर, ओके। तो इसने मतलब सही हमारे पास नहीं है, तो इसको डबल क्लिक करके इसको यहाँ से इस साइड पे मूव कर लें, रोटेट आर ओ एंटर, मैं दोबारा लेता हूँ और मैं जाके इसको राइट कर लेता हूँ, लेफ्ट या राइट से ही हमारे पास आएगा, लेकिन ये आपने यहाँ से चेंज करना होगा। इनवर्ट्स पे क्लिक करता हूँ, डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ, और इस पॉइंट से यहाँ तक, ओके अब सही हो गया। मूव एम एंटर, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को और इसको इस कॉर्नर से उठाया और यहाँ पे इस कॉर्नर पे रखा। इसी तरह आप इसको भी देखना चाह रहे हैं, तो यही काम करेंगे आप, दोबारा डायमेंशन लेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक देखना चाह रहा हूँ डायमेंशन, ओके मूव करता हूँ एमेंटर, ओके। तो डायमेंशन आपके पास यहाँ पे आ गई है सारी की सारी। और अब यहाँ पे आप जाएं होम में जाके, तो यहाँ से 2D वायर फ्रेम की जगह यहाँ पे शेडेड ऑफ ग्रे पे क्लिक करें। तो अब देखें यहाँ पे आपको डायमेंशन कंप्लीट नज़र आ रही होंगी, देखें, और यहाँ से इसको वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहाँ पे मुकर देखें, और यहाँ पे आप देखें ज़रा, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट डायमेंशन नज़र आ रही होंगी। तो ये जी तरीका है जी 3D में डायमेंशन को चेक करने का, देख सकते हैं।
तो ये 3D में डायमेंशन आपको देने का तरीका है कि आप 3D में कोई भी डायमेंशन कैसे दे सकते हैं, और अपने ऑब्जेक्ट को आपने अगर बना लिया और आप फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, या फिर आपने वो कंप्लीट डायमेंशन किसी को दिखानी है, देनी है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया इसकी डायमेंशन कितनी है, क्योंकि मैकेनिकल में सारा का सारा काम डायमेंशन पे होता है, तो वो आप डायमेंशन दिखाना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं किसी को, तो आप यहाँ से 3D में इस तरह डायमेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप 3D में आर्क वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो आर्क के लिए आपने आर का जो तरीका होगा, या फिर आपने जो एंगुलर डायमेंशन सर्च करने का जो तरीका होगा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन लेसन की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप आसानी से इन पर काम कर सकें। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।